1000 रुपीज। अगर आप 3 इंजन वाली ट्रेन लेते हो तो उसके लिए आपको देने हो। बादलों से भर चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ड्रीम डेस्टिनेशन इंडिया। आज हम एक बेहद खूबसूरत लोकेशन पर आए हैं और मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं उस खूबसूरती को। इस समय हम लोग हैं वेस्ट बंगाल के दी ओनली हिल स्टेशन दार्जिलिंग में। तो अगले 2-3 दिन हम दार्जिलिंग में रहने वाले हैं और यहाँ की खूबसूरती को कैप्चर करने वाले हैं। आप यहां पर अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दैट इज बागडोगरा, और उसके बाद वहां से आप टैक्सी से यहां तक पहुंच सकते हैं एंड इट टेक्स 3 आवर्स। और अगर आप बस से यहां तक आना चाहते हैं तो जो यहां का सिलीगुड़ी स्टेशन है या सिलीगुड़ी टाउन है वहां से रेगुलरली बस चलती है जो आपको दार्जिलिंग तक पहुँचा देगी। इसके साथ ही अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी इज द स्टेशन जहाँ तक आप आ करके फिर अगर आप चाहते हैं तो जो दार्जिलिंग हिमालयन ट्रेन है उससे भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं, जो कि करीब 7 घंटे का सफ़र है लेकिन काफ़ी खूबसूरत सफ़र है, तो आप उस ट्रेन से भी यहां तक आ सकते हैं। उस ट्रेन का जो फेयर है दैट इज़ 1500 रुपीज़, और वो आप कर सकते हैं। और अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो बेस्ट होगा कि आप जलपाईगुड़ी तक आ करके वहां से बस या टैक्सी से यहां तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर आप उस जो हिमालयन ट्रेन है उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो दार्जिलिंग में उसके लिए जॉय राइड्स आर अवेलेबल, जिससे आप दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से पकड़कर धूम तक जा सकते हैं, जो करीब यहाँ से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वो ट्रेन आपको वहाँ पर ले जाती है और वापस भी ले आती है। साथ ही साथ जो हिमालयन म्यूजियम है, रेल म्यूजियम, वो भी आपको दिखाती है। तो देख लीजिए कि आपको इनमें से कौन सा साधन ठीक लगता है और आप यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, और आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। ये जो रेलवे लाइन है इसको बनवाया हुआ था 1889 से 1891 तक बाई ब्रिटिशर्स, और तब ये उनके लिए एक फन राइड हुआ करती थी, क्योंकि वो दार्जिलिंग आते थे अपने लेजर टाइम को स्पेंड करने के लिए वोकेशन पे। तो ये उन्होंने ट्रैक बनवाया जिसकी लेंथ टोटल लेंथ है 88 किलोमीटर एंड विच स्टार्ट फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग तक। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो जलपाईगुड़ी का जो लेवल है सी लेवल दैट इज 100 मीटर, तो यहाँ आते आते 2200 मीटर हो जाता है। इसके साथ ही एक और मजेदार बात है, ये जो जॉय राइड अभी हम कर रहे हैं ये करीब करीब 2 घंटे की जॉय राइड है, और जिसमें बहुत सारे स्टेशन बीच में आते हैं जिसमें से इम्पोर्टेंट है बतासिया जो एक लूप है एंड इट इज ऑल्सो वॉर मेमोरियल। तो यकीन मानिए जब आप न्यू जलपाईगुड़ी से यहाँ तक पहुँचते हैं, खास तौर से सीजन होता है विंटर सीजन जब मौसम खुला होता है, तो ये दुनिया का बेस्ट ट्रैक है जो आपको ये नज़ारे देता है यहाँ पर इस पूरे हिमालयन जो रेलवे है। अगर इस राइड का आप मजा लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो फेयर है दैट इज 1000 रुपीज। अगर आप स्टीम इंजन वाली ट्रेन लेते हो तो उसके लिए आपको देने होंगे 1500 रुपए। 1000 रुपीज फॉर डीजल इंजन एंड 1500 फॉर स्टीम इंजन। साथ ही साथ अगर आप दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी जाना चाहते हो तो उसके लिए भी जो फेयर है दैट इज 1500 रुपीज। यू डिसाइड एंड एंजॉय द राइड। एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस रेलवे लाइन पर जब आप यहाँ से आते हो जलपाईगुड़ी से यहाँ दार्जिलिंग तक, तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशन मिलते हैं। उनमें से एक स्टेशन है झूम, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ग्रेजुअली इसकी हाइट बढ़ती है फ्रॉम 100 मीटर टू 2200 मीटर्स तक। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग चाहते थे उस ट्रेन से न्यू जलपाईगुड़ी से यहाँ तक आना, पर बिकॉज इट टेक 7 आवर्स तो लगा कि काफ़ी टाइम लग जाएगा।
तो वी ऑप्टेड फॉर अ जॉय राइड। ये जॉय राइड आपको 2 घंटे के लिए मिलती है और आपको दार्जिलिंग से लेकर के घूम तक का सफर कराती है। इस समय हम लोग हैं बतासिया स्टेशन पर। बतासिया इस लूप जहाँ पर ट्रेन थोड़ी देर रुकती है और हम सभी यहाँ पर उतरते हैं, थोड़ा सा आसपास का जो एरिया है वो देखते हैं। इस जगह से दार्जिलिंग का काफ़ी पैनोरामिक व्यू बहुत सुंदर मिलता है, मगर अभी मौसम बहुत ख़राब है, एज यू कैन सी नाउ, तो हम वो सब तो नहीं दिखा सकते, मगर दिस इज अ वेरी गुड फन राइड, वन शुड कम एंड एंजॉय दिस राइड। इस ट्रेन में 2 तरह के इंजन लगते हैं, एक जो हमारा हेरिटेज वाला इंजन है स्टीम इंजन और दूसरा डीजल इंजन। हमारी जो ट्रेन है वो डीजल इंजन वाली है। बनवाया गया था 1995 में एंड इट इज डेडिकेटेड टू दोस हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी, तो उन सभी की याद में इस वॉर मेमोरियल को बनाया गया है। तो जॉय राइड का जॉय राइड और हमारे अमर शहीदों को श्रद्धांजलि। 1-5-2-5। म्यूजियम में रेलवे म्यूजियम है और ये एक इंजन है स्टीम इंजन जो पुराने समय में यूज किया जाता था, उसको इन्होंने यहाँ म्यूजियम में रखा हुआ है फॉर शोकेसिंग कि हमारा जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है वो कैसा है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आ रहा है। आइसक्रीम खाने का अपना अलग मजा है, मौसम बहुत शानदार है, ऐसे में ये आइसक्रीम घूम रेल म्यूजियम दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के 3 म्यूजियम्स में से एक है और ये घूम रेलवे स्टेशन कैंपस में ही है। ये स्टेशन के ठीक ऊपर है और 1999 में जब दार्जिलिंग हिमालयन रेल को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, उसके बाद ईयर 2000 में इस म्यूजियम की स्थापना की गई थी और इसको दर्शकों के लिए खोल दिया गया था। आप दार्जिलिंग में हो और आपने यहाँ के फेमस मोमोज और मैगी का स्वाद नहीं चखा तो फिर क्या किया? तो हमने भी यहाँ पर मोमोज और मैगी खाए क्योंकि भूख लग गई थी, टाइम भी हो रहा था। और अब हम जा रहे हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ जो कि है दार्जिलिंग की वेरी फेमस मोनास्ट्री जो काफ़ी पुरानी बताई जाती है। तो चलिए चलते हैं मोनास्ट्री की तरफ। गए हैं घूम मोनेस्ट्री एंड दिस इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन दार्जिलिंग। इसके अंदर बुद्धा की 15 फीट ऊंची एक प्रतिमा है जो काफ़ी सुंदर है, वो नीचे से जाकर के अभी हम अंदर दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। चलिए
दार्जिलिंग में लोकल साइट सीइंग के लिए हमने एक टैक्सी हायर की है, क्योंकि खुद से ड्राइव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट हियर, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की बहुत क्राइसिस है, कहीं भी आपको पार्किंग नहीं मिलती है। तो अब हम जा रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है जापानीज टेम्पल, जिसको शांति स्तूपा भी कहते हैं, और ये सिटी से करीब 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, एक पहाड़ी ढलान पर। और ये स्तूपा जो विश्व के 70 शांति स्तूपाज हैं उनमें से एक है, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो उससे पहले हमने लंच ब्रेक लिया और हम अब घूमेंगे शांति स्तूपा। इस वक्त हम लोग हैं जापानीज टेम्पल, या इसको पीस पगोड़ा भी कहते हैं। ये पीछे आपको वो खूबसूरत पगोड़ा दिखाई दे रहा है, और इसको बनवाया गया था 1972 में, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसके अंदर आपको गौतम बुद्धा के जीवन से जुड़े हुए वो सारे एपिसोड्स नज़र आएंगे, जिसमें हमें उनके जीवन की झलकियाँ मिलती हैं। शांति स्तूपा देखने के बाद हम गए तेंजिंग रॉक, जो कि लेबोंग कार्ट रोड पर सिचुएटेड है, और ये दो रॉक्स हैं, तेंजिंग और गोम्पू रॉक्स, जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तेंजिंग जो सबसे पहले हिमालय पे चढ़े थे 1953 में, और गोम्पू उनके नेफ्यू हैं, तो इन दोनों के नाम पर इस रॉक का नाम रखा गया है। यहाँ पर लोग रॉक क्लाइंबिंग के लिए आते हैं। हम लोग आए हैं टी गार्डन देखने के लिए या टी एस्टेट देखने के लिए, लेकिन जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इट इज़ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि हमने एक बहुत खूबसूरत टी एस्टेट देखा था आसाम में तेजपुर में। हालांकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप का है, स्लोप है, उसके ऊपर पूरे टी बागान जो नज़र आ रहे हैं, और इस समय काफ़ी फॉग है, कोहरा इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है, हम इंजॉइंग। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, और एक और चीज़ है जो यहाँ पर मुझे दिखी, वो इतनी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि मानो सब लोग दार्जिलिंग ही पहुँच गए घूमने के लिए। हालांकि दिस इज़ ऑफ सीज़न, यहाँ पर रेनी सीज़न हो रहा है और बारिश में लोग कम आते हैं, मगर ऐसा लग नहीं रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि या तो विंटर सीज़न में, और या मतलब मार्च तक आप यहाँ पर आएँ तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। ये पूरी वैली इस समय बादलों से भर चुकी है, और इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पर सामने, बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी मतलब देर आप यहाँ पर रुक करके आराम से एंजॉय कर सकते हैं इस सीनिक व्यू को। और इस समय बारिश शुरू हो गई है, तेज़ हो गई है बारिश, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले स्पॉट की ओर। दार्जिलिंग में एक और बहुत ही फेमस और अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है टाइगर हिल, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर सिचुएटेड है, और यहाँ से कंचनजंगा और ऐसी अनेक जो हिमालयन रेंजेस हैं वो दिखाई देती हैं। पर आज मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है, चारों तरफ फॉग है, तो आई डाउट कि हमें वहाँ पर कुछ भी दिखाई देगा। बट फिर भी दार्जिलिंग आए हैं तो उस स्पॉट तक तो हम ज़रूर जाएंगे। सनराइज ऑब्जर्वेटरी, एंड यहाँ पे सामने पार्किंग है, और उसके बाद का पूरा एरिया है जहाँ पर लोग जाते हैं और सनराइज देखते हैं। अब हम जिस जगह पर हैं, ये जगह दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, एंड दिस इज़ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दार्जिलिंग। दिस इज टाइगर हिल, जो कि सी लेवल से 2590 मीटर की हाइट पर है, दैट इज 8500 फीट, और ये जगह फेमस है सनराइज के लिए। इस जगह से अभी तो आप बिल्कुल कुछ नहीं देख सकते, हम भी कुछ नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सामने कंचनजंगा की पहाड़ियों से जब सुबह के समय सूरज उगता है तो वो नज़ारा बेहद दिलचस्प और लुभावना होता है। लेकिन उसे देखने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा
फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, उसके बाद से ही मौसम बदल जाता है और फिर सनराइज देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो आप जब भी कभी दार्जिलिंग का प्लान बनाएं तो ये बात खास ध्यान में रखें कि आप अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का ही टाइम सेलेक्ट करिए। दैट इज़ द बेस्ट पीरियड दार्जिलिंग घूमने के लिए। और कल से तो यहाँ मौसम बहुत ख़राब है, हम कल यहाँ पर आए थे, जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द प्लेस। काफ़ी ऊँचाई पर है और यहाँ से पूरा जो चारों तरफ का व्यू है वो बहुत अच्छा होता है, ब्यूटीफुल होता है, और साथ ही साथ यहाँ से घूम की जो पहाड़ी है वो भी नज़र आती है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट इन दार्जिलिंग। हिमालयन रेलवे के जॉय राइड के साथ ही हमारा आज का ये सफर अब यहीं पर ख़त्म होता है। अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक और खूबसूरत लोकेशन पर मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस इज योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फ्रॉम दार्जिलिंग। बाय बाय, टेक केयर।